हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं अधिकार के बारे में। और ये अधिकार का जो दोस्तों लेक्चर है ना, वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के जितने भी छात्र उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। और कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 2 यानी कक्षा 11वीं के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ में प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये उपयोगी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ना भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार से पहले हम बात करेंगे अधिकार, यानी अधिकार जो हमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमें इसके इस अधिकार का प्रयोग करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम दोस्तों बोलते तो इसकी ऐतिहासिकता क्या रही है ना, इसका विकास कैसे हुआ है। प्राचीन काल में देखें तो सबसे पहले दोस्तों यूनान की बात करते हैं। यूनान, जी हाँ दोस्तों यूनान, जहाँ से प्लूटो, अरस्तु, सुकरात जैसे राजनीतिक विचारक आते हैं और उन्होंने अपनी पुस्तकों में अधिकार के बारे में बहुत सारा लिखा भी है। भारत की बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने इस अधिकार का प्रयोग किया और अपने भिक्षुओं को अधिकार प्रदान किया ताकि वो क्या कर सके, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके समान रूप से। थोड़े से दोस्तों और आए तो मध्यकाल की अगर बात करें तो ये मध्यकाल ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू में, तो 1213 ईस्वी में यानी 13वीं शताब्दी 1213 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली बार अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अधिकारों का मैग्ना कार्टा। और वहीं से आप समझ सकते हैं और कह लीजिए कि वहीं से अधिकारों के बारे में अधिकार की घोषणा की गई और अधिकारों को अमली जामा यानी कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करने की शुरुआत होती है। कहाँ से, 1213 ईस्वी में। दोस्तों अब हम समझते हैं अधिकार क्या है, यानी अधिकार वो नियम है, अधिकार वो विचार है जिसके आधार पे मानव अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है, राइट। यानी मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति किसके माध्यम से करता है, अधिकार के माध्यम से। यानी आप कह सकते हैं कि अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसे थोड़ा सा और समझें दोस्तों कि अधिकार क्या है दोस्तों, व्यक्ति की क्या होती है अधिकार, व्यक्ति की मांग होती है। क्या होती है, अधिकार व्यक्ति की मांग है, राइट, जिसे समाज द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है। यानी वो अधिकार जिसका प्रयोग आप समाज में कर सकते हैं, यानी अधिकार क्या है, व्यक्ति की मांग है जिसे समाज में क्या है, मान्यता प्रदान किया गया है और जिसे राज्य क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। यहाँ पर राज्य शब्द का मतलब है राष्ट्र। क्या मतलब है राज्य का, राष्ट्र। यानी अधिकार वो मांग है, व्यक्ति की मांग जो समाज में मान्यता प्रदान की गई, यानी मान्यता प्राप्त हो और राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया हो। तो ये अधिकार समझ गए आप। अब हम बात करते हैं दोस्तों जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अधिकार की व्याख्या जितने विस्तृत और विशाल तरीके से की गई है, उतना दुनिया के किसी संविधान में अधिकारों के बारे में बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में, जी हाँ भारतीय संविधान के भाग 3 में अधिकारों की घोषणा की गई है और उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकार प्रदान क्यों किए गए, या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकार किस किस प्रकार से प्रदान किए गए और कितने भागों में से बांटा गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अधिकारों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार। तो यहां समझ लेते मूल अधिकार क्या है दोस्तों। मूल अधिकार जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, मूल है, यानी जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यानी ये हमारे विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर ना आपको व्यक्तित्व विकास का मतलब आप क्या समझ रहे, व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपको क्या सम्मानजनक जिंदगी जीने का क्या है, सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है। और उस सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए आपको क्या चाहिए, वो आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जैसे हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं। और इन सभी की पूर्ति के लिए आपको रोजगार चाहिए
और रोजगार कैसे मिलेगा, जब आपको समाज में काम करने का अधिकार होगा। तो ये होते हमारे मूल अधिकार, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसे हमारे संविधान में मूल अधिकारों के नाम से जाना जाता है। और इसे हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया। मैंने कहा ना कि इतना ज़्यादा विस्तृत अधिकार किसी भी दुनिया के और संविधान यानी लिखित संविधान में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय भारतीय संविधान में। तो देखते हो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो कितने भागों में है और कितने प्रकार से हमारे मूल अधिकार हैं, यानी कितने हैं मूल अधिकार टोटल। तो अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में हमारे पास कितने थे, मूल संविधान का मतलब होता है जब हमारा संविधान लागू किया गया, तो उस समय टोटल हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। तो सबसे पहला था समता का अधिकार, नोट समानता, यहां पर समता की बात की जा रही है। तो समता का अधिकार पहला अधिकार है मूल अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, इनके बारे में चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। यहाँ पर आपको दिखा गया ना संपत्ति का अधिकार, मैंने यहाँ पर पहले ही रेड मार्कर से इसको नोट किया हुआ है, ये है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया है। सातवां, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यानी कुल मिलाकर हम देखें दोस्तों, हमारे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, टोटल कितने थे, 5 और 2 7, टोटल 7 मूल अधिकार थे। लेकिन हुआ क्या कि 1978 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद हमारे जो संपत्ति के मौलिक अधिकार थे उसे संपत्ति के मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर उठाकर फेंक दिया गया और उसे क्या बना दिया गया, विधिक या कानूनी अधिकार। अब यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में से मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे हटाकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया और उसे क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार। कहाँ से हटाया गया, 31 से मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाग का नहीं बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे सब क्लोज का, यानी आर्टिकल 300 का सब क्लोज ए में इसे क्या दिया गया है, कानूनी अमली जामा पहना दिया गया। यानी अब संपत्ति का अधिकार आपकी मांग नहीं रही और ना ही अब इसे देने के लिए हमारे संविधान ने आपको वादा किया है, बाकी 6 तो आपको वादा किया गया है लेकिन इसको हटा दिया गया, यानी अब ये संपत्ति का अधिकार आप कानूनी रूप से प्रदान, यानी कानूनी रूप के माध्यम से आपको प्रदान किया जा सकता है। एक मौलिक अधिकार जिसकी हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 21 क्लोज ए में। अब बात करते हैं भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम DPSP के नाम से जानते हैं। क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसके नाम में ही निर्देश दिया हुआ है, यानी ये राज्य को निर्देश देते हैं। ये कम नहीं है मूल अधिकारों से, ये मूल अधिकारों से भी बराबर है, यानी ये राज्य को निर्देश देते हैं कि राज्य अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्य करे, परंतु इसे संविधान में देने के लिए वादा नहीं किया गया है, लेकिन मूल अधिकारों को देने के लिए क्या किया गया है, वादा किया गया। यानी ये मूल हैं, एक बार दे दिए गए हैं तो इसे आपसे समाप्त नहीं किया जा सकता सिवाय राष्ट्रपति के शासनकाल से पहले इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, या कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तब, लेकिन इसे तो समाप्त किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये राज्य के लिए निर्देश हैं ताकि वह अपने नागरिकों के कल्याणकारी कार्य कर सके, उन्हें अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सके।
लेकिन ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, कंपलसरी नहीं है राज्य आपको देगा ही देगा, या आप राज्य से मांग नहीं कर सकते। हाँ, राज्य के पास इतने संसाधन हैं तो आपको सुविधाएं प्रदान कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने दिल्ली, दिल्ली में क्या है, महिलाओं को बसों में मुफ्त सुविधा दी जाती है, राज्य इतना कैपेबल है, राज्य के पास इतना पैसा है, वो अधिकार दे दे रहा है। लेकिन दिल्ली ने जब अधिकार दिया तो ये जरूरी नहीं कि पूरे भारत में अधिकार लागू हो जाए, ये केवल कहाँ लागू होगा, दिल्ली में। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो आती है ना, बाकी राज्यों में तो नहीं आती। ये राज्य के अधिकार यानी राज्य के ही निर्देश होते हैं जो राज्य अपने नागरिकों को क्या करता है, प्रदान करता है जब राज्य इतना साधन संपन्न हो जाता है। यहाँ पर एक बात और आपको बता चलूँ, शिक्षा का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार नहीं हुआ करता था, जिसे हम आर्टिकल 21 क्लोज ए के तहत आज क्या मानते हैं, मौलिक अधिकार। यानी इसके तहत क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक यानी प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक है उसे क्या मिला हुआ है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी फ्री एजुकेशन का शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो वो किसके तहत दिया गया है, आर्टिकल 21 क्लोज ए के तहत, यानी आर्टिकल 21 क्लोज ए अब क्या आ गया दोस्तों, हमारा मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। लेकिन इससे पहले नहीं था ये कब शामिल किया गया, ये हमारे संविधान में मूल अधिकार का बना 2002 में। इससे पहले क्या था, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो राज्य जब इतना सक्षम हो जाएंगे, इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो अपने नागरिकों को बहुत सारे अधिकार प्रदान कर दें, तब वो क्या करेंगे, इन ऐसे अधिकार को प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। तो जान लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से कहां तक दिए गए, जिस आधार पर मूल अधिकार दिया गया है। तो राज्य के नीति के निर्देशक जो तत्व हैं दोस्तों, वो भाग 4 में 36 से 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसकी चर्चा की गई है। अगर हम बात करें निदेशक तत्व और मूल अधिकार की तुलना की, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम चर्चा बिल्कुल गहराई से करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि निदेशक तत्व क्या है, मूल अधिकार क्या है। इसके अलावा हम चर्चा ये भी करेंगे कि मूल अधिकार के अलावा आर्टिकल 51 क्लोज ए यानी अनुच्छेद 51 का में जो हमारे कर्तव्य दिए गए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं